not understood her order. So now she will have to wait till 4 o'clock. Christmas. Good morning guys and welcome back to our channel Be Obsessed. और आज है 25th of December 2021, मतलब बस और कुछ 5-6 दिन बाकी है ये साल खत्म होने में. तो इट्स लाइक पता नहीं, बहुत इमोशनल हो गई हूँ. ये साल भी बहुत अप एंड डाउन था. हाउएवर जल्दी से बोल देती हूँ मैं आप लोगों को, कल हम लोग एक्चुअली बहुत लेट घर पहुंचे थे. आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्रिसमस ईव पार्टी किया बहुत सालों के बाद. बहुत सालों के नहीं, जब से लॉकडाउन और कोरोना हुआ था तब से तो नहीं किया था, अभी थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ किया था. और अभी आज हम लोग सुबह सुबह उठने में लेट हो गया. एक्चुअली अभी बज रहे हैं 2 o'clock. तो मैंने सुबह सुबह उठ के पूजा भी कर लिया, देखिए पूजा भी कर लिया, दिया भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया. और हम लोग पैकिंग की भी तैयारी कर रहे थे, कुछ सामान बाकी है वो लेने जाना है. और देखते हैं फटाफट नील रेडी हुआ है कि नहीं, चलिए चलते हैं. तो चलिए नील के रूम में फटाफट देखते हैं नील तैयार हुआ है कि नहीं. अरे ये क्या कर रहे हो, फिर से दर्द हो रहा है? नहीं, वो डॉक्टर ने बोला ना कि जब भी आप जाओगे तो ये पहन के जाना, क्योंकि नहीं तो फिर ये वाला पोर्शन क्वेश्चन रहता है. ओके, तो आप रेडी हो गए? रेडी हो गया. कि मैंने आप आज इज्जत से बात किया, आप बोल के बात किया, देखो आप रेडी हो गए. शुक्रिया. अच्छा, हमारे नील जी रेडी हो गए और नील जी का देखिए एकदम सामान भी रेडी करके रखा है. देखिए कितनी ऑर्गेनाइज्ड है वो, बाप रे बाप, इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं. बहुत सारे गर्म कपड़े हैं. तो गाइज ये हिंट है आप लोगों के लिए, समझने के लिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं. चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद. राइट गाइज, मैं फटाफट से आप लोगों को मेरा आउटफिट दिखा देती हूँ, क्रिसमस डे का आउटफिट. तो ये एक ड्रेस है जो नील ने मुझे गिफ्ट किया था लास्ट ईयर. मुझे फिट आता था लेकिन अभी मैं कैलकटा से आई हूँ तो मम्मी का प्यार इधर मेरे पेट में आ गया है, इसके लिए मुझे इसको ये जो कवर है ऊपर से लगाने की जरूरत है. अदरवाइज ये काफी स्टाइलिश भी लग रहा है और विंटर भी है तो इसके लिए. एंड नीचे मैं बूट्स पहन लूंगी तो हो जाएगा नाइस ना. ऑलराइट गाइस, तो हम लोग जल्दी जल्दी आ गए हैं क्रिसमस लंच करने के लिए एंड वी आर हियर. सो नील इज टर्निंग इनटू अ पेस्केटेरियन एज यू गाइस नो. सो नील ने ऑर्डर कर दिया है, मेरी ऑर्डर मैंने किया है और मैंने फिश एंड चिप्स ऑर्डर किया है विच इज़ लाइक वेरी फेमस. मैं बहुत खाती थी जब हम लोग स्कॉटलैंड में थे, जब यूके में थे, लेकिन इंडिया में बहुत कम मिलता है. तो आज तो मैं फिश एंड चिप्स खाऊंगी और चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद. नील इज वेटिंग फॉर हिज फूड. नील, मैरी क्रिसमस गाइस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस गाइस. तो नील का सूप आ गया, नील भूख से एकदम, ही वाज लाइक गोइंग लिटरली गेटिंग हंगर पैंग्स. तो देखो उसने चालू भी कर दिया खाना. यार मेरा खाना नहीं आया अभी तक, मुझे तो बहुत भूख लग रही है. सो बैड गाइस. He has taken an order half an hour ago and he has not even punched it in his machine. And now he is saying, this guy is saying that they are not even, he has missed the order. And I will take another, what did you order? Battered fish and chips. Fish and chips. He said that it is not even punched in the machine. Did you not take the fish order? I ordered for my soup and my salad. She also ordered, right? Battered fish? I ordered battered fish. She ordered. I ended up getting you. It's my apologies. I ended up getting you. You didn't understood her order. So now she'll have to wait till 4 o'clock. You have this one. No, that's fine. Have this, that's okay. Have this. Don't order anymore. Have this. Let's order. No, that's okay. And we are gonna dig in right now. Mm-hmm.
का ईव और देखिए मेरा जो घर है वो एकदम क्रिसमस कैंडल की तरह स्मेल कर रहा है। क्रिसमस कैंडल की तरह नहीं, मतलब क्रिसमस की तरह स्मेल कर रहा है। और ये देखिए मेरे घर के डेकोरेशंस को, आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए। फुल रेड रेड एकदम क्रिसमस जैसा, वो देखिए लाइट भी है। एंड ये देखिए बाहर बालकनी, ये यहाँ पे बैठ के हम लोग बिग बॉस देख रहे हैं और हर जगह पे कैंडल्स है, अच्छा स्मेल कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा घर पे आओ और एकदम फ्रेश फ्रेश स्मेल हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। नील भी बैठ गया है, थक गया है वो बेचारा क्रिसमस लंच और शॉपिंग करते करते। और फाइनली मेरे ड्रेसेस भी मुझे पसंद आ गए। ये एक छोटा सा ट्री है, क्रिसमस ट्री नहीं बोल सकते लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ये ओरिजिनल ट्री है लेकिन ये क्रिसमस ट्री की तरह ही काम कर रहा है। सो इजंट इट लुकिंग ब्यूटिफुल गाइस, प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लग रहा है ये हमारा क्रिसमस का कोजी एटमोसफियर। चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये वाला पैकेट है, खाने का पैकेट है, ये हम जा रहे हैं नीचे डोनेट करने के लिए क्योंकि आज क्रिसमस है तो किसी को तो खुशियां बांटे ना, तो इसके लिए इसमें है प्लम केक, तो ये हम लोग जा रहे हैं नीचे डोनेट करने के लिए। चलिए चलते हैं। बाहर होंगे, देखो किधर, वो अंधेर अपने भाई का बर्थडे है। मेरी क्रिसमस भैया। ये क्या हो रहा है? ये हमारे साथ आएगा तो चलेगा। तुम ना हर वक्त मजा, हर वक्त मूवी अंतिम, अंतिम तुम मेरे आने से पहले चालू कर दिया, मैं काम कर रही हूँ ना। ठीक है चलो खाना खाते हैं। ये पेरी पेरी फ्राइज और हम लोग पेपर प्लेट में खाना खाएंगे आज क्योंकि हमारी जो मेड है, हाउस हेल्प है, वो कल से छुट्टी पे है तो बर्तन हम में से किसी को धोना नहीं, मैं नहीं धो सकती एक्चुअली क्योंकि मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे और नील तो नहीं धो सकता, तो इसके लिए हम लोग पेपर प्लेट में खा रहे हैं। ऐसा आप में से कितने लोग करते हो कि बर्तन धोने के डर से आप लोग पेपर प्लेट में खाना खाते हो, कमेंट करके जरूर बताना नीचे। और अभी इसमें सुशी है, सुशी को भी हम निकालते हैं। ऑल राइट, तो रेडी हो गया हमारा खाना, चलिए अभी हम खाना खाते हैं। ऑल राइट, तो हम लोग अभी खाना खाने के लिए बैठ गए। हमारे घर में तो सिनेमा हॉल चल रहा है एकदम, आपको आवाज कुछ नहीं सुनाई देगा, सबसे जोर पे आवाज चलता है, बट हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। ठीक है चलो मिलते हैं बाद में। नील भी खड़ा हो गया और ये